हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए सीएम ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने शिमला के पास जटिया देवी में नया शहर बसाने की घोषणा की। उन्होंने इसकी डीपीआर बनाने के लिए बजट में 1373 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि हिमाचल में अब 76 साल से कोई नया शहर नहीं बसाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेज वाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20,000 मेधावी छात्राओं की स्कूटी खरीदने के लिए सरकार 25,000 रुपए देगी। राज्य में प्राइवेट ई बस और ई ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को भी 40% सब्सिडी दी जाएगी। बजट पेश करते हुए राज्य की कमजोर वित्तीय हालत के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाला जीएसटी अनुदान बंद होने से राज्य को नुकसान हुआ है। एनपीएस के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा है। मुख्यमंत्री ने इस रकम को वापस लाने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के राज्य सरकार की तरफ 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। हिमाचल के बजट से पहले बीजेपी विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंच रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन आज वे सदन में बैठकर बजट को सुनेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण की शुरुआत करते हुए सीएम ने हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने का ऐलान करते हुए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। उन्होंने शिमला के पास जटिया देवी में नया शहर बसाने की घोषणा की। उन्होंने इसकी डीपीआर बनाने के लिए बजट में 1373 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि हिमाचल में अब 76 साल से कोई नया शहर नहीं बसाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 1500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेज वाइज पूरा किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की 20,000 मेधावी छात्राओं की स्कूटी खरीदने के लिए सरकार 25,000 रुपए देगी। राज्य में प्राइवेट ई बस और ई ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को भी 40% सब्सिडी दी जाएगी। बजट पेश करते हुए राज्य की कमजोर वित्तीय हालत के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मिलने वाला जीएसटी अनुदान बंद होने से राज्य को नुकसान हुआ है। एनपीएस के 8,000 करोड़ रुपए केंद्र के पास जमा है। मुख्यमंत्री ने इस रकम को वापस लाने के लिए विपक्ष से सहयोग भी मांगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनरों के राज्य सरकार की तरफ 10,000 करोड़ रुपए बकाया है। हिमाचल के बजट से पहले बीजेपी विधायक काली पट्टी बांधकर सदन पहुंच रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि उनका विरोध जारी रहेगा, लेकिन आज वे सदन में बैठकर बजट को सुनेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर भारत के साथ। न्यूज सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य सटीक निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज सुपर भारत। न्यूज सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारी फेसबुक पेज NSP News को।